श्री गणेशाय नमः। मासिक राशि फल जनवरी 2022 के लिए। मेष राशि, गणेश जी कहते हैं कि धन आगमन के नए मार्ग खुलने से आर्थिक मामलों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं सहित व्यापार में भी वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकारी वर्ग से सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान की वृद्धि के बीच कार्य क्षेत्र में आपको प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। वृषभ राशि, गणेश जी कहते हैं कि यह महीना आपके लिए परेशानी लाता दिख रहा है, थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी में प्रभाव कम होने के साथ ही व्यापार में सफलता मिलने में भी दिक्कतें आने की संभावना है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार के साथ ही किसी रिश्तेदार से सहयोग प्राप्त होगा। कृषि क्षेत्र में सामान्य लाभ आपको मिलेगा। मिथुन राशि, गणेश जी कहते हैं कि यह महीना आपके लिए काफ़ी खुशनुमा रहने की भी उम्मीद है। यह महीना आपकी राय के स्रोत को बढ़ाने वाला साबित होने के साथ ही धन आगमन के नए मार्ग खोलेगा। इस दौरान करियर में तरक्की के योग के साथ ही पदोन्नति की प्रबल संभावना भी दिख रही है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। कर्क राशि, गणेश जी कहते हैं कि भाग्य का साथ मिलने के चलते करियर की दृष्टि से आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। इस दौरान जहां आपके अटके कार्य तेजी से पूरे होंगे, वहीं नए लाभ के अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है। सेहत का ध्यान रखना होगा। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह समय कुछ खास लाएगा। सिंह राशि, गणेश जी कहते हैं कि इस महीने नौकरी में उन्नति की संभावना है। इस समय व्यापार में उतार चढ़ाव के बीच कृषि क्षेत्र में परेशानी भी आ सकती है। वही इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार की भी संभावना है और उसके बीच पिता के स्वास्थ्य को लेकर खास ध्यान आपको रखना होगा। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कि यह महीना आर्थिक मामलों में आपके लिए अच्छा दिख रहा है। यह व्यापार में सफलता का सही समय है। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार के बीच ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। तुला राशि, गणेश जी कहते हैं कि इस महीने आपको जहां नौकरी में साथियों का सहयोग मिलेगा, वही किसी खास दोस्त की मदद से कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे। जीवन साथी के लिए यह समय उन्नति वाला रहने के साथ ही आपका व्यापार भी ठीक ठीक रहेगा। तीर्थ यात्रा के योग के बीच इस दौरान कृषि क्षेत्र में सामान्य लाभ की भी संभावनाएं हैं। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं कि यह महीना मिश्रित फल देने वाला रहने की संभावना है। नौकरी में अच्छा समय रहने के साथ ही संतान के मांगलिक कार्य होने के योग भी बनते दिख रहे हैं। इस समय किसी राजनीतिक पार्टी से भी कोई प्रकार का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। परिवार में विशेषकर भाई से मन मुटाव की स्थिति निर्मित होगी। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं कि इस माह भूमि संबंधी लाभ की संभावना है। नौकरी में साथियों के सहयोग का साथ ही व्यापार में मध्यम लाभ होगा। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलने के अलावा पिता से भी आर्थिक सहायता प्राप्त होने की भी उम्मीद है। पत्नी से मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं कि पद प्रतिष्ठा में यह महीना इजाफा करने वाला रहेगा। इस दौरान किसी संस्था से सम्मान प्राप्त होने की भी संभावना है। व्यापार में उतार चढ़ाव के बीच कृषि क्षेत्र में इस समय सफलता हासिल होगी। नौकरी पेशा लोगों को साथियों से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। घर में अशांति का वातावरण निर्मित न होने दें। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कि यह महीना व्यापार के लिए ठीक ठीक रहेगा। नौकरी में साथियों के सहयोग आपको प्राप्त होंगे। जीवन साथी की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक कष्ट रहने की भी संभावना है। कृषि क्षेत्र में सामान्य लाभ आपको मिलेगा।
भाई के घर आर्थिक तंगी रहेगी, सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। मीन राशि, गणेश जी कहते हैं कि यह महीना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। व्यापार में धीरे धीरे लाभ के मौके में बढ़ोतरी के बीच समाज में जिम्मेदारी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों से अधिकारी वर्ग प्रसन्न हो रहेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात नए रास्ते खोलने वाली सिद्ध होगी। यानी कि आपका दिन, आपका महीना बहुत ही बेहतरीन होगा। श्री गणेशाय नमः। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।